घोषणा करता हूँ, जो भी चलती हुई मछली की आग को भेदेगा द्रौपदी का विवाह उससे होगा। है कोई इस सभा में वो वीर पुरुष जो इस चलती हुई मछली की आग को भेदे? द्रौपदी को जुए में मारा जाए? किस माता का आदेश था द्रौपदी को बड़ी सभा में नंगा किया जाए? उसके कपड़े उतारे गए, बड़ी सभा में उसके कपड़े उतारे गए। ये द्रौपदी अब हमारी हुई, क्या बात है। बस सब यही चाहिए तो मजा कैसे। आगे हमारा क्या है? बस हमारा कुछ होने वाला, अंदर कुछ वाला। अरे उसमें पता है कुआं है। कौन सी माता का आदेश था जब बड़ी सभा में सब आश्रय देंगे? माँ देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। बेटा जो भी तुम लाए हो उसे आपस में पांचों भाई बांट लो। देखा आपने पांडवों का बंटवारा, इस मां का आदेश था द्रौपदी को जुए में हारा गया। वो कौन सी माता का आदेश था? भरी सभा में उसके कपड़े उतारे गए, उसे नंगा किया गया। वो किस माता का आदेश था इस तरह से उसे नोचा गया? अरे वो कोई वस्तु थी, चीनी की बोरी थी, जो उसे पांच लोगों में बांटा गया। आप लोग हंसते आए हैं और हंसते ही रहेंगे, तो आज की चुपो, हंसो, खुल के हंसो। भाई ऐसे करके ना, ऐसे करके ये वाला युद्ध हो जाओ। हिरण्यगर्भा संवर्ततागरे भूतस्य जातस्य प्रतिरेकाति। हिरण्यगर्भा संवर्ततागरे भूतस्य जातस्य प्रतिरेकाति। हिरण्यगर्भा संवर्ततागरे भूतस्य जातस्य प्रतिरेकाति। हिरण्यगर्भा संवर्ततागरे ये कोई पूजा नहीं, कोई अर्चना नहीं, ये हत्या है जो देन है आप सभी की। आप लोगों की वजह से आज बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। समाज में उन्हें जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। अगर गलती से जन्म ले ले तो उसकी जिंदगी आप लोग नर्क बना लेते। उसे दुनिया भर के ताने सुनाकर, गालियां सुनाकर उसकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं, बदतर बना देते हैं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, बेटियों को जन्म लेने दें। उन्हें हक है जीने का, पैदा होने का, अपने सपने देखने का और उन्हें पूरे करने का। धन्यवाद।